शिव आदि है, वो अनंत भी है, वो कालों के काल महाकाल है। शिव निर्माता है, पालनकर्ता और संहारक भी है। वो दयालु है, वो भोले हैं, वो भोलेनाथ हैं। शिव देवों के देव महादेव है, वो शाश्वत है। शिव स्वयंभू भी है और धरती पर जहां जहां भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए उन स्थानों पर विराजमान शिवलिंगों की उपासना ज्योतिर्लिंगों के रूप में की जाती है। धरती पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं और आज मैं नवम ज्योतिर्लिंग के दर्शन को जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं बाबा बैद्यनाथ मंदिर देवघर। भारत की राजधानी दिल्ली से 1350 किलोमीटर और झारखंड की राजधानी रांची से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर देवघर को बाबा नगरी भी कहते हैं और बाबा बैद्यनाथ मंदिर को बाबा धाम, बाबा बैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। सबसे बड़ी बात, यहाँ शिव और शक्ति दोनों साथ साथ हैं। पूरे भारत में यही मात्र एक ऐसा स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ अगल बगल विराजमान है। भगवान शिव के दर्शन और आराधना के साथ साथ मुझे पता करना है कि भगवान वैद्यनाथ की महिमा क्या है, इस धाम से जुड़ी कहानियां और मान्यताएं क्या है। मुझे यह भी पता करना है कि ज्योतिर्लिंग के अलावा देवघर के शिवलिंग को और किस नाम से जाना जाता है। बाबा धाम की वो खास प्रसाद क्या है, इसे चिताभूमि क्यों कहते हैं। निरंतर 24 घंटों प्रज्वलित अखंड हवन कुंड की महिमा से भी अवगत होना है और शिव के साथ साथ कितने भगवान मंदिर परिसर में विद्यमान हैं, यह भी पता करूंगा। आज सोमवार है, मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का दिन। मैं देवघर बाबा नगरी में हूं और आज के दिन भगवान शिव के दर्शन करना तो बनता है। मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, धोबिया टोला ये इलाका है और अब मैं पैदल बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर परिषद की ओर बढ़ूंगा। तकरीबन आधा किलोमीटर के आसपास इन गलियों से गुजरकर आप मंदिर पहुंच सकते हैं। भारत के हर प्राचीन धार्मिक स्थलों की तरह ही यहाँ की गलियाँ मुझे नज़र आ रही हैं, जहाँ सड़क से सटे घरों का निर्माण किया गया है। ये रिक्शा मंदिर तक भी जाता है। जैसे जैसे मैं मंदिर के करीब पहुंच रहा हूं, रास्ते और भी सकरे होते जा रहे हैं। कितने देर में मंदिर पहुंच जाएंगे? तो ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा हम समझते हैं यहाँ से 5 किलोमीटर। कितने द्वार हैं और द्वार? द्वार है, ज्यादा। ये मंदिर का सिंह द्वार है, इसे मुख्य द्वार भी कहा जाता है। मुख्य मार्गों में से एक मुख्य मार्ग, इसे VIP गेट कहा जाता है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर देवघर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, झारखंड के सबसे प्रमुख मंदिरों में बाबा बैद्यनाथ मंदिर शुमार होता है। सबसे पहले मैं बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग धाम की महिमा जानना चाहूंगा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस मंदिर की महत्ता क्या है, क्या महिमा है?
शंकर आदि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये नवा है, शिव पुराण का है ये। प्रसन्न होकर जब बाबा ने वर मांगा बाबा शिव जी से, तो उन्होंने कहा कि क्या वर, तो बोले मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूँ। तो मैं तो कैलाश छोड़ के लंका नहीं जाऊँगा, ये मेरा लिंग ले जाओ, लेकिन इसमें शर्त है कि कहीं इन द मिडवे इनको कहीं रखना नहीं है, जहाँ रखिएगा वहीं स्थापित हो जाएंगे। लेकिन कोई नहीं चाहता था कि रावण के पास ये जाएं, तो एक माया रची गई इसमें। वरुण जी प्रवेश कर गए पेट में, तो लघु शंका की तीव्र इच्छा हुई इसी क्षेत्र में, इसी स्थान पर। तो भगवान चरवाहे के रूप में थे, उनके हाथ में लिंग रखो, मैं तुरंत लघु शंका करके आता हूँ। चूँकि लघु शंका में अब बोले आप नहीं आओगे, मैं रख के फिर चला जाऊँगा। चूँकि वरुण देवता ही पेट में थे, तो लघु शंका का दौर वो दीर्घ शंका में बदल गया। इस बीच में उन्होंने रख दिया, वाले ने नहीं आए और वो गायब हो गए। जब आए तो देखते हैं कि भगवान लिंग रखे हुए हैं, अब वो तस से मस नहीं हुए, रह गए यहीं। तो इसीलिए इनका नाम रावणेश्वर वैद्यनाथ है। और ये ज्योतिर्लिंग है, और ये मंदिर उड़ीसा स्थापत्य कला का एक नमूना है। यहाँ जो शिलालेख है उससे पता चलता है कि 5वीं शताब्दी का बना हुआ है, और लिंग वो बहुत पुराना है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं आपको बताऊं, महादेव इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। धरती पर जहां जहां भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, उन स्थानों पर विराजमान शिवलिंगों की पूजा ज्योतिर्लिंग के रूप में की जाती है। मान्यता यह भी है कि जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्या के समय इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है, उसके 7 जन्मों में किया हुआ पाप मिट जाता है। यहाँ पर चंद्रकांता मणि है अंदर में, उससे जल टपकता रहता है 24/7 बाबा पर। वो तो अब चंदवा लगा हुआ है, तो ये एक ऐसी चीज है जो कहीं नहीं। कहा जाता है कि यहाँ पर आने वालों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इस कारण इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। वैद्यनाथ मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा 22 और मंदिर हैं। उसके बाद यहाँ जो महंत हुए कालांतर में, सबने अपने अपने नाम से उन्होंने एक मंदिर बनाया। आज 22 मंदिर इस परिसर में, जिनमें लक्ष्मी नारायण, नीलकंठ, माँ जगत जननी, माँ संध्या, ब्रह्मा, काल भैरव मंदिर शामिल हैं। अच्छा, मैं ये जो देख पा रहा हूँ मंदिर, दो मंदिर हैं और बीच में ये गंगाट जोड़ा हुआ है। ये दाम्पत्य जीवन का प्रतीक है। यहाँ चूँकि शिव पार्वती का जब विवाह होता है शिवरात्रि में, तब ये गठबंधन माना जाता है। और मनोकामना के लिए नवविवाहित जो आते हैं या जिनको मनोकामना रहती है कि शादी होगी तो आके बांधेंगे, तो ये 12 महीना ये एक नई चीज़ है, सिर्फ विशेष चीज़ है जो यहीं पर होता है। ये किस चीज़ का है? सूती कपड़े का। जो बासुकीनाथ है उनको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, और ये हाई कोर्ट होते, ऐसी कोई बात है क्या? सब ईश्वर ही हैं। ये ज्योतिर्लिंग है, वो फौजदारी बाबा के नाम से जाना जाता है। तो जैसे सिविल कोर्ट में दीवानी और फौजदारी जिस तरह होता है, उनकी भी महत्ता है। यहाँ का एक जिस तरह की है ना, कि केदारनाथ में करने के बाद आप जब पशुपतिनाथ जाते हैं, तब वो ये ज्योतिर्लिंग आधा आधा माना गया है। तो यहाँ भी एक मान्यता है कि यहाँ करने के बाद, हालांकि सब आदमी नहीं जाते, फिर भी बासुकीनाथ जाना चाहिए। अभी यहाँ अर्घा से भगवान शिव को जल दिया जा रहा है। मंदिर आजकल कोरोना काल में कब से खुल रहा है, कब बंद हो रहा है? अभी तो आप देख ही रहे हैं कि कुछ नहीं है भीड़, चूँकि जब अर्घा में भी जल चढ़ता है। अर्घा का क्या मतलब हुआ? कि अर्घा हुआ कि स्पर्श नहीं करना है, बाहर से वो अर्घा लगा हुआ है, पीतल का एक स्लोप है, उसमें जल दीजिएगा, वो बाबा पर गिरता है। तो वो बाबा का दर्शन वहाँ से हो पाता है अर्घा देते समय? हाँ, आप ठीक दरवाजे पे लगा है, आप जल दीजिए, बाबा का दर्शन कीजिए, वहीं से प्रणाम कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आगे चले जाइए। ये पूरे व्यवस्था कब से हुई, जब से मंदिर खुला है दोबारा? जी, मैं एक चीज और जानना चाहूँगा कि भगवान को प्रसाद में क्या चढ़ता है या अंदर कुछ भगवान? यहाँ देखिए, यहाँ निर्माल्य कहते हैं, ज्योतिर्लिंग का निर्माल्य खाया नहीं जाता है। तो यहाँ बाजार में जो खरीदते हैं या चौखट पर जो उसको स्पर्श करा लेते हैं, वही प्रसाद मान लिया गया है। इन पर चढ़ा हुआ प्रसाद मना ही है, वर्जित है खाना।
सब अधिकारी नहीं है उसको खाने के। यहाँ के महंतों को पंडा कहा जाता है और मुख्य मंदिर के किनारे चारों तरफ जो यहाँ महंत हैं उन्होंने अपना स्थान बना रखा है, पूजा पाठ से संबंधित सारी जानकारी और पूजा पाठ ये करवाते हैं। भगवान के दर्शन के अलावा भी और कई धार्मिक कार्य होते हैं जो श्रद्धालु यहाँ के महंत की मदद से पूरा करवा रहे हैं। अलग सा माहौल है, बड़ा ही धार्मिक माहौल है। वैद्यनाथ मंदिर में कई धार्मिक कार्य करने की परंपरा है, इसमें से मुंडन एक प्रमुख परंपरा है। यहाँ नंदी बाबा की पूजा अर्चना की जा रही है। ये चिता भूमि है, बाबा वैद्यनाथ धाम चिता भूमि के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि माता सती का हृदय यहाँ गिरा हुआ है। ये भस्म का यहाँ का प्रधानता है, ये महाप्रसाद है। जैसे जगन्नाथपुरी में चावल प्रसाद होता है ना, वैसे यहाँ का भस्म प्रसाद है, इसका खास महत्व है। ये चलते ही रहता है, ये कभी बंद नहीं होता है। ये हवन कुंड है बाबा का, अखंड हवन कुंड, ये हरदम प्रज्वलित रहता है, कभी घुसता नहीं। सावन में बाबा वैद्यनाथ मंदिर का विशेष महत्व होता है। करीब 80 लाख से ज्यादा श्रद्धालु सावन के महीने में यहाँ आते हैं। उन दिनों भगवान के दर्शन के लिए खास इंतजाम किए जाते हैं। श्रद्धालुओं को पंक्तिबद्ध करने की विशेष व्यवस्था होती है। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ये जो पूरे साल भर में सावन का एक अलग महत्व होता है यहाँ, सावन में क्या वातावरण रहता है आप इस मंदिर परिसर? सावन यहाँ धर्म अर्थशास्त्र आपको अपने पीक पर दिखेगा। लोग रोज 2 लाख औसतन रोज आदमी आते हैं, 60-70 लाख आदमी एक महीने में आते हैं। और ये विश्व का सबसे बड़ा मेला 150 किलोमीटर का, जो कि सुल्तानगंज से शुरू होता है गंगा किनारे से और जाके टर्मिनेट होता है बासुकीनाथ में। और इस तरह सावन में अर्घा रहता है, चूँकि अंदर से स्पर्श कराने से 2 लाख लोगों को रोज कराना संभव नहीं है, तो इसीलिए उसमें 1 मिनट में 100 आदमी तुरंत बहुत व्यवस्था रहती है, सब चीज़ दुरुस्त रहता है, रूट लाइनिंग रहती है, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर तक लाइन लगता है। कोरोना काल में श्रद्धालुओं की संख्या तो काफ़ी कम है, लेकिन मुझे तो काफ़ी संख्या में श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं। हालांकि कहा जाता है कि आम तौर पर यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। मैं करीब यहाँ 1 घंटे से ज़्यादा समय से हूँ। इस वक्त दिन के 3:30 बज रहे हैं, मंदिर अभी साफ़ सफाई के लिए बंद है। शाम में श्रृंगार आरती होती है, उस वक्त फिर मंदिर को खोला जाएगा और श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर सकेंगे। शाम के प्रहर मंदिर के अंदर के वातावरण से मुझे अवगत होना है। मैं भगवान के दर्शन भी करूंगा। अभी अभी मैंने भगवान के दर्शन किए। मंदिर के अंदर के दृश्य की व्याख्या करने की क्षमता मुझ में नहीं है। वो एक अद्भुत अनुभव है, वो दृश्य भी अद्भुत है। इस अनुभूति से मैं बाहर नहीं आना चाहता। इस अनुभव को मैं और जीना चाहता हूं। यहां से जाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा महसूस हो रहा है कि दर्शन अभी भी अधूरी है। भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का मेरा सफर और प्रयास जारी है। फिर मिलेंगे। कहते हैं जिंदगी चलने का नाम है और इसे समझने के लिए चलना पड़ता है। मेरे साथ समझिए जिंदगी को, जिंदगी की खूबसूरती को और
उन पहलुओं को भी जो सामने नहीं आते, या यूं कह लीजिए कि सामने आने नहीं दिए जाते। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।